महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनां मृत्योर्मोक्षीय मामृता। कमर सीधी, मन शांत, सामने अनंत आकाश, हिमाच्छादित पहाड़, लहराता हुआ समुद्र, इस अनंत प्रकृति के बीच में मैं अपने आप में केंद्रित हूं। मन एकदम शांत, चारों तरफ से हटाकर मस्तक के बीचों बीच भ्रकुटी के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करें। देखें, गहराई से देखें, मस्तक के बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है। एक चमकता हुआ ज्योति पुंज, सातों आत्मिक ऊर्जाओं को समाहित किए हुए ज्योति पुंज, चमकता हुआ सितारा, यह ही आत्मा है, यह सातों आत्मिक ऊर्जाओं का वही प्रक्षेपण है जो आंखों के सामने बीचों बीच दिखाई दे रहा है। इसको गहराई से देखें, यह ही मैं हूं, ये सातों आत्मिक ऊर्जाएं इस ज्योति में समाहित हैं और यह इस पूरे शरीर में जीवनदायिनी शक्ति प्रवाहित करती है। इस शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अंग की एक एक कोशिका में जीवनदायिनी शक्ति प्रवाहित हो रही है। यही आत्मा है, यही आत्मा की शक्ति है जो इस शरीर को जीवंतता प्रदान करती है। जब तक यह शक्ति, जीवनदायिनी शक्ति इस शरीर में रहती है, तब तक यह शरीर क्रियाशील रहता है। जो ही यह जीवनदायिनी शक्ति, आत्मा इस शरीर से बाहर चली जाती है, यह शरीर पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इस शक्ति को पहचाने, इस शरीर के भान के कारण हम इस आत्मा को भूल गए हैं, इस आत्मा की शक्ति को भूल गए हैं और हम इस देहभान में ही अपने आप को पूरे दिन अनुभव करते हैं और इस शरीर की आसक्ति के कारण जो भी कार्य करते हैं वह सब के सब विकार उत्पन्न करते हैं। उन्हीं विकारों के कारण हम भय और दुख में रहते हैं।
अपने आप को पहचाने। मैं यह शरीर नहीं, इस शरीर में व्याप्त ऊर्जा आत्मा हूं। इस शरीर की एक एक कोशिका में यदि जीवनदायिनी शक्ति लगातार प्रवाहित हो रही है, मैं आत्मा की शक्ति को आज अनुभव कर रहा हूं। देखिए भृकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, जब हम इस आत्मिक शक्ति को पहचान जाते हैं, इसके अनुसार जीने लगते हैं, तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पे लगाएं। ये श्वासें जब जीवन प्रारंभ होता है उस दिन से चलती हैं और जीवन के अंत तक लगातार साथ रहती हैं। जब श्वासें समाप्त हो जाती हैं, जीवन का अंत हो जाता है। इन श्वासों को देखें, अंतर मन की आंखों से इन श्वासों को देखें। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है। गहराई से देखें, अनुभव करें। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है। इसको और गहराई से देखें। श्वास दाहिनी नासिका से आ रही है, बाईं नासिका से आ रही है, या दोनों नासिकाओं से आ रही है, इसको देखें। श्वास को बस देखना है, करना कुछ भी नहीं है, बस श्वास का अनुभव करें। इस श्वास से ही मेरा जीवन है। इसको कभी हमने देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। देखें श्वास गर्म है कि ठंडी है। श्वास गीली है कि सूखी है। देखें, सिर्फ अनुभव करना है, करना कुछ भी नहीं है। श्वास की कोई कसरत नहीं करनी है, सिर्फ श्वासों को आते जाते देखना है। श्वास ही मेरा जीवन है। देखें, गहराई से देखें, श्वास नासिका के किस पटल को छू रही है। श्वास नासिका के अंदर वाले छल्ले को छू रही है या बाहरी वाले छल्ले को छू रही है। बस देखें, अनुभव करें, इन श्वासों के साथ रहें। ये सांसें हम लगातार पूरे दिन 24 घंटे हर पल लेते हैं, लेकिन इन सांसों से अनभिज्ञ हैं। इन सांसों की अनुभूति कभी देखी ही नहीं, कभी जानी ही नहीं। यदि सांस किसी पल ठीक से ना आए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। इन सांसों को गहराई से देखें और गहराई से देखें तो आप पाएंगे नासिका के अंदर बहुत सारी संवेदनाएं हो रही हैं। सेंसेशंस हो रहे हैं। इन सेंसेशंस को भी देखें,
नासिका के अंदर खुजली हो रही है, सुचराहट है, फड़फड़ाहट है। खुजली है, गर्म है, ठंडा है, कुछ भी हो रहा हो उसको अनुभव करें। नासिका के अंदर खुश्की है, ड्राइनेस है, वेटनेस है, इचिंग है, ये पूरे दिन लगातार होता रहता है और हम इसको देखते ही नहीं है, अनभिज्ञ रहते हैं। ये सब मेरे शरीर की ही संवेदनाएं हैं। ये संवेदनाएं मेरे मन मस्तिष्क में उठने वाले विचारों के कारण बदलती रहती हैं। ये मेरे मनोभावों के अनुकूल बदलती रहती हैं। इसी के साथ सांसों की गति भी मेरे मनोभावों के अनुकूल बदलती रहती है। जब जब हम कोई विकार जगाते हैं, सांसों की गति बढ़ जाती है। जब हम ईर्ष्या में होते हैं, द्वेष में होते हैं, क्रोध में होते हैं, मोह में होते हैं, अहंकार करते हैं, ये सांसों की गति बढ़ जाती है। जब हम क्रोध में अपना आपा खो बैठते हैं, सांसों की गति आंधी की तरह हो जाती है। एक एक कोशिका लाल हो जाती है, हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम अपना पूरा का पूरा संयम खो बैठते हैं, हम अपने शरीर का कंट्रोल खो बैठते हैं। ये सब विकार मेरे ही मन में उत्पन्न होते हैं और ये सब क्रियाएं मेरे शरीर के अंदर प्रकट होती हैं। इनको पहचाने, इनको देखें। यह मन इस शरीर के भान के कारण हर समय एक नया विकार पैदा करता है। हर पल ये चलायमान होता है, हर पल ये चलायमान होता है, कभी भी रुकता नहीं, हर पल भटकता रहता है। और देह भान के कारण अंत में विकार पैदा करता है और विकारों की परिणति भय और दुख होता है। हम पूरा जीवन दुख में और भय में गुजारते हैं। अब पहचाने कि दुख और भय का क्या कारण है, आज स्वयं अनुभव करें। यह आपका स्वयं का अनुभव है, किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं। आप अपने आप को गहराई से देखें, आपको खुद अनुभव होगा कि हम अपने विचारों के जाल में फंस गए हैं। अब इन विकार युक्त विचारों के जाल से बाहर निकलना है और प्रेम और करुणा के सागर में चलना है। जब जब हम प्रेम में होते हैं, करुणा में होते हैं, दया में होते हैं, तब तब सांसों की गति बहुत धीमी हो जाती है, मन के विचार शांत हो जाते हैं, मन के विचारों की गति बहुत कम हो जाती है और हमको सुख और शांति का अनुभव होता है। हम बिना कुछ जाने लगातार विकार उत्पन्न करते हैं और दुख उत्पन्न करते हैं
और दुख और भय में ही जीवन यापन करते हैं। इस अज्ञानता को आज हम जान गए हैं और हम अपने विचारों को अपने आत्मिक भाव में जागृत करेंगे। इस देह भान से मुक्त होकर आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। हम स्वयं को दुख और भय के बंधन से मुक्त करेंगे। आप एक बार फिर मस्तक के बीचों बीच अपने ध्यान को ले जाएं और इस ज्योति बिंदु को गहराई से देखें। ये चमकता हुआ सितारा जो चमक रहा है, जिसकी चमक हमारे अपने विचारों के कारण कमजोर हो चुकी है, इसको जागृत करना है। इसको गहराई से देखें और इसको इस शरीर से दूर अपने स्थायी निवास स्थान, जहां मेरा परम पिता परमात्मा रहता है, उससे मिलने हेतु चलते हैं। हम इस आत्मा को इस शरीर से बाहर ले जाते हुए विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के बीच से, तारामंडल के बीच से होते हुए इस आसमान के ऊपर और ऊपर और ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं आसमान के ऊपर एक सफेद सूक्ष्म लोक है। यह सूक्ष्म लोक उन आत्माओं का निवास स्थान है जिन्होंने इस जीवन काल में ही अपने आप को पूर्ण रूप से शोधित करते हुए परिमार्जित कर लिया था, और वो यहां पर इस संसार के लिए तपस्यारत हैं, इसके प्राणियों के लिए शुभ भावना और शुभ कामना व्यक्त कर रही हैं, सबके कल्याण के लिए लगातार तपस्यारत है। इसके ऊपर और ऊपर चलते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ा नारंगी लाल रंग का एक लोक है। यह ही हमारा निवास स्थान है। ये सभी आत्माओं का निवास स्थान है। यहां पर मेरे परम पिता परमात्मा मेरे ही समान एक ज्योति रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं। वो हम सब आत्माओं के इंतजार में वहां बैठे हैं। वो हम सभी आत्माओं को एक समान प्रेम कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके कल्याण के लिए लगातार विकिरणें दे रहे हैं, सूर्य के समान चमक दे रहे हैं। लेकिन हमने अपने मन मस्तिष्क की खिड़कियां मोटे मोटे पर्दों के द्वारा बंद कर रखी हैं, और मेरे परमपिता परमात्मा का वो आशीर्वाद हमको नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने प्रभु के पास बैठा हूं और वो मुझको अपने सभी गुण और शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। आज मैं उनके पास बैठकर अपने पूरे जीवन काल के जितने विचार हैं सब उनको हृदय से बता रहा हूं। जो भी मेरे हृदय में दुख है, दर्द है, संताप है,
वो सब उनको बता रहा हूं। अपने हृदय में जो भी कष्ट है वो सब उनको खुले हृदय से बता दीजिए, सब कुछ बता दीजिए, कुछ भी न रहे जो हमारे मन मस्तिष्क को भारी किए हुए है। सब कुछ दे करके सारे दुख, सारे कष्ट, सारे जीवन भर के जितने कठिनाइयां हैं सब उनको बता दीजिए और अपने आप को एकदम हल्का कर लीजिए, लाइट कर लीजिए। ईश्वर चाहते हैं कि हम सब बच्चे सुख और आनंद में रहें। हम अपने ही विचारों के जाल में फंसकर दुख भोग रहे हैं। ईश्वर से जो हमारा कनेक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है। आज उनके पास बैठकर हमें अनुभव हो रहा है कि हम कितने भटके हुए थे, कितना भूले हुए थे। मेरा पिता, परम पिता, परमात्मा गुणों का सागर है, वो गुण जो हमको सुख, शांति, आनंद प्रदान करते हैं उनका सागर है, वो प्रेम का सागर है, सभी आत्माओं को एक समान प्रेम करता है, वो प्रेम का सागर है। हम प्रेम की छोटी छोटी नदियां हैं जो उसी सागर में समाहित होती हैं। उस सागर से मिलकर मेरे अंदर प्रेम हर शरीर के एक एक अंग में भरा जा रहा है, वह पवित्र है, पवित्रता का सागर है, वह शांति का सागर है। वहां पर किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है। ऐसी शांति जो सुख प्रदान कर रही है, वो सुख का सागर है, हम सभी आत्माओं को सुख प्रदान कर रहा है, वह आनंद का सागर है। हम वहां पर बैठकर आनंद के सागर में हिलोरे ले रहे हैं। आज पहली बार उस आनंद की अनुभूति हो रही है जो हमने कभी जाना ही नहीं था। हम तो सिर्फ स्वार्थ में आनंद ढूंढ रहे थे, आज पहली बार निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ आनंद की अनुभूति हो रही है। इन सभी गुणों को ग्रहण करने के पश्चात मेरे हृदय में सिर्फ प्रेम और करुणा ही वापस हो गया है। ये सभी गुण मेरे अंदर समाहित हो गए हैं। इन दैवीय गुणों के धारण करने के पश्चात मेरे मन में जितने भी संताप थे सब दुख दूर हो रहे हैं। मेरे अंदर किसी भी परिस्थिति को परखने की शक्ति एकदम साफ दिखाई दे रही है। दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं बचा है। अब मैं कोई भी निर्णय बहुत ही सुगमता पूर्वक कर पा रहा हूं। इस प्रेम और करुणा से मैं किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत ही सहजतापूर्ण कर सकता हूं, उस परिस्थिति को सह भी सकता हूं। कैसी भी परिस्थिति हो उसको सहजतापूर्वक सह सकता हूं और समा सकता हूं। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सब मेरे ही सगे भाई बंधु हैं। उनके साथ हम सहयोग करके बड़े से बड़े कार्य को संपादित कर सकते हैं। हमने अपने विकारों के कारण इस सृष्टि का विनाश कर रखा है और सभी प्राणी दुख में जी रहे हैं, लेकिन आज प्रभु के पास बैठकर यह समझ में आया, यह अनुभव हुआ
कि प्रभु के प्रेम में जो आनंद है वो और किसी काम में नहीं है। मैं बड़ी से बड़ी परिस्थिति को बड़ी सहजता पूर्वक उसको पार कर सकता हूं, और जब मैं ईश्वर से एक रूप हो जाता हूं तो वो सारी गुण और शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित हो जाती हैं और हमको आनंद से भर देती हैं। मेरा पिता परम पिता परमात्मा कितना दयालु है, करुणा का सागर है, हम सब के लिए लगातार प्रेम दे रहा है, हमारी सभी भूलों को सभी बुराइयों को क्षमा कर रहा है, हम सबको सही रास्ता दिखा रहा है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत आभार, लाख लाख शुक्र कि आपने सारी बुराइयों के होते हुए भी मुझे स्वीकार किया और मुझे अपने सारे गुण और सारी शक्तियां मुझे प्रदान की। हे प्रभु, हे प्रभु, हे कल्याणकारी प्रभु, अब हम परमपिता परमात्मा से ये सभी शक्तियां और गुण लेते हुए अब धीरे धीरे उस परम धाम से धीरे धीरे नीचे धरती पर उतरते हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों तारा मंडलों के बीच से होते हुए इस मन मस्तिष्क के बीचों बीच आकर विराजमान होते हैं। अब मैं यह शरीर ईश्वरीय गुणों के अनुसार चलाऊंगा, दैवीय गुणों को धारण करूंगा और कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होने दूंगा। अब मैं अपने सभी भाई बंधु जो पूरे विश्व में विद्वान हैं, उनको अपनी इस तपस्या के शक्ति को सबके लिए देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, यही मेरी प्रार्थना है। शांति।